सोलन के बाईपास पर करीबन 100 रेहड़ी फेरी चालक फल सब्जियां बेचते हैं। अब यहां फोरलेन का काम हो रहा है, जिसके चलते रेहड़ी फेरी चालकों को वहां से उठाने के नोटिस जारी हो चुके हैं। उन्हें कभी भी यहां से उठाया जा सकता है। इनका व्यवसाय बाधित ना हो, इसलिए वही बैंडर मार्केट नगर निगम द्वारा कई वर्षों से बनाई जा रही है, लेकिन ये भवन अभी तक नहीं बन पाया है। कछुए की चाल से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से रेहड़ी फेरी चालकों का भविष्य अधरमय पड़ चुका है। रेहड़ी फेरी चालक संघ एक अध्यक्ष माहिताब ठाकुर ने कहा कि इस बार वे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे और वे नगर निगम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। रेहड़ी फेरी चालक संघ एक अध्यक्ष महिताब ठाकुर और अन्य सदस्यों ने कहा कि उनकी बैंडर मार्केट अभी तक अधूरी पड़ी है। वही NHAI वालों ने उन्हें सड़क खाली करवाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में वह कहां जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि बैंडर मार्केट जैसे भी बनी है उन्हें वहां बैठने की अनुमति दे दी जाए, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि हर चुनावों में उन्हें वायदे किए जाते हैं, उन्हें बैंडर मार्केट में दुकान उपलब्ध करवा दी जाए और बहुत से आश्वासन उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद उन्हें कोई नहीं पूछता, इसलिए वे इस बार नगर निगम चुनावों का बहिष्कार करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेहड़ी फेरी मार्केट करीबन 80% बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन वीरान पड़ी है, जिसका फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं, जहां वे बिना किसी खौफ के मदिरा पान करते हैं। जिनके लिए मार्केट बनाई जा रही है वे केवल इस भवन का निर्माण कब पूरा होगा इस इंतजार में है, लेकिन कछुए चाल से बन रहा ये भवन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अभी निर्माण कार्य पूरा होने में भी सालों लग सकते हैं। बीच में यही है कि फोरलाइन वाले ने तो हमारे को बोलता है भाई जल्दी खाली करो, कमिटी वालों के पास जाते हैं तो कमिटी वाला बोलते हैं भाई तुम्हारा कमरा बन रहा है, ठीक है जी, कमरा तो अब तक आप लोगों ने देख लिया हुआ है कि भाई कमरा तो अभी यही हालत है। देखो चुनाव चुनाव में तो हमने जब तक हमारा अगर रोजी रोटी का अगर रोटी अगर ना दे तो हमने चुनाव तो हमने वोट तो हमने देने नहीं है। वोट तब देंगे जो हमारा काम करे, कि फटाफट हमारा काम कर दे और हमारे को वो करे तब हम वोट देंगे। दुकानें कंप्लीट नहीं हुई, किसको जिम्मेवार मानते हैं आपकी, कौन किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही कमेटी वालों का है। अब हमारे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए, अब साल साल का हम दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, जो पैसा था वो हमने इकट्ठा करके इनको दिया हुआ है कि ताकि हमारा दुकान बन जाए बोल के, वो भी दुकान नहीं बन रहा है, उधर से पैसा ले रहे, अब हमारे को क्यों नहीं दे रहे? अब ये तो अब वही जाने, हम तो जब जाते तो बोलता भाई तुम्हारा दुकान बनी है, फिर अब हमारे दुकान बनी है तो दुकान कहाँ जैसी बड़ी है भाई, ये तो हमारे को कम से कम होना चाहिए ना। अब देखो आप देख रहे इस विषय में हमने पूर्व जितने भी अधिकारी थे सबसे बात की है कि सर इसमें जो है अंधेरे का इंतजाम किया जाए, इसमें एक ही रास्ता है, पूरी बिल्डिंग में 55 दुकानों में एक ही रास्ता है। कल को हमारे में से अधिकतर लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, मान लिया जाए किसी का सिलेंडर फट जाता है तो दुकानदार तो मारा ही जाएगा, लेकिन साथ में जितनी पब्लिक होगी वो भी मारी जाएगी, ये बात हमने पहले रखी है। चाहते हैं केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से और रेडी जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज जी, अपने मिनिस्टर से भाव कहना चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो इस ओर ध्यान दें। तो चुनावों में आपका क्या रुख रहने वाला है नगर निगम? चुनावों में हमारा रुख ये रहेगा कि इन दोनों पार्टियों को वोट हम नहीं दें, हम अपने लोगों को पूरी तरह से जागरूक करेंगे। सर बस रोटी का ही सितारा है अंदर, कि मार्केट बन नहीं रही है और दुकानें हमें मिल नहीं रही हैं और काम पुल बनने वाला है, यहाँ पे काम पूरा होने वाला है तो हमारे उठा दिया जाएगा, तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? सरकार से गुजारिश है कि हमें दुकानें दी जाए, जैसे भी है थोड़ी बहुत जितनी भी तैयार है तो हमें दी जाए।